सो मेरा कैमरे का लेंस देख रहे हो, वाइड एंगल कितना मस्त वाइड हो रहा है यहाँ पे। बहुत महंगा कैमरा लिया है भाई मैंने जाकर के। अरे फोन है। हम हैं हजारों में अब की कमी। गुड मॉर्निंग, बस सुबह उठा हूँ सो करके। अपना आज जुमा भी है तो आज जुमा मुबारक हो सबको मेरी तरफ से। और बस मुनि धोया फ्रेश होकर के थोड़ी देर बाद बात करते हैं ने हाउ टू व्लॉग विद अ पब्लिक इन 2020 सून वाले वीडियो को अपने कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो मेरा काम अब खत्म हो चुका है, तो अब आते हैं डायरेक्ट हम लोग वीडियो की बातचीत पे। ठीक है, एज अ माई एक्सपीरियंस मैं आप लोगों को ये 5 टिप बता रहा हूँ, और ये 5 टिप अगर आप फॉलो कर लिए तो पब्लिक में आप लोग मचा दोगे मचा। तो ये 5 टिप आप लोग समझ लो अच्छे से। सो नाउ इज टाइम टू प्ले। तो मैं आप लोग को बता दूँ, कॉपी मैंने ले लिया हाथ में अपने और मैंने 5 टिप लिख लिए हैं जो मुझे आप लोग को बताने हैं। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि बंदा अभी स्क्रीन में देख रहा था फिर कैमरे लेंस में देख रहा, तो भाई ऐसा होता है व्लॉगिंग टाइम में। अगर हम सामने फ्रंट वाले कैमरे से अगर व्लॉगिंग करते हैं तो इसका भी आगे चल के मैं सोल्यूशन बता रहा हूँ। ठीक है, और इससे पहले एक चीज़ बता, इमरान पहले तुम लोग को नमाज़ पढ़ने के बाद फिर व्लॉगिंग चालू करेगा वो नमाज़ पढ़ने के बाद, क्योंकि आज जुमा है तो जुमा की नमाज़ पढ़ना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज नमाज़ इम्पॉर्टेंट है, समझ गए। हेलो वेलकम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम, दिस इज इमरान अंसारी एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमरान मेडी व्लॉग्स। तो हमने जुमे की नमाज़ पढ़ लिया है, अब आगे की कहानी हम कंटिन्यू यहाँ से करेंगे। आते हैं आज के पहले टॉपिक पे। तो पहला टॉपिक है हमारा कि नॉट स्टिल लॉन्ग टाइम फॉर वन लोकेशन, मतलब वन प्लेस, मतलब इसका है कि लॉन्ग टाइम तक ज़्यादा देर तक एक लोकेशन पे बात मत करो, एक जगह पे खड़े होकर के बात मत करो। लुक लाइक जैसे कि ये है, देखो अब मैंने यहाँ पे वीडियो बना लिया, अब फिर मैं थोड़ी देर वॉक करके मैं किसी और जगह पे चला गया, फिर मैं किसी और जगह को शूट कर लिया। एक जगह पे खड़े होकर इसलिए वीडियो नहीं करना कि एक जगह पे खड़े रहोगे तो लोग भी आपको देखेंगे, और लोग आपको देखेंगे तो फिर आपको आप शाय फील होगा। इसलिए आप एक जगह पे खड़े होकर वीडियो मत करो, चलते रहो और दूसरे जगह जाकर के वीडियो करो। बस थोड़ा थोड़ा सीन ले लो एक एक जगह का, उसके बाद दूसरे दूसरे जगह पे जाकर के वीडियो शूट करो। अब आज का हमारा दूसरा टॉपिक है वो है लुक ऑन कैमरा लेंस, मतलब कि कैमरे के लेंस में ही देखो कभी भी आप बात करो, तो वो इमरान समझाएगा वहाँ पे। ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैमरे का लेंस, अब मैंने बैक कैमरे से वीडियो कर रहा हूँ अपनी, बैक कैमरे से व्लॉग कर रहा हूँ, तो बैक कैमरे से करने का है कि मैं डायरेक्ट कैमरे में देख रहा हूँ, मैं डायरेक्ट लेंस में देख रहा हूँ कैमरे, इससे मुझे दिक्कत नहीं होगा। मैं फ्रंट कैमरे से करता हूँ तो आपने शुरू में देखा कि मैं फ्रंट से स्क्रीन में देख रहा हूँ फिर कैमरे के लेंस में देख रहा हूँ, तो उससे दिक्कत होती है, उससे डिस्टर्बेंस होता है। और ऑडियंस को जो हमारे देख रहे हैं हमारे चैनल को, हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, उसको डिस्टर्बेंस होता है। तो इसलिए बोलता हूँ कि आप लोगों को समझा रहा हूँ कि बैक कैमरे से वीडियो करो कभी भी करो, तो क्योंकि बैक कैमरे से हम डायरेक्ट लेंस में देख रहे होते हैं कैमरे के। और आज का हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा स्टोरी टेलिंग के ऊपर। तो आप लोग ये स्टोरी टेलिंग के मैं डिटेल्स में समझाना चाहूँगा यहीं पे खड़े खड़े, तो समझाता हूँ मैं आप लोगों को। तो सबसे पहली चीज़ कि हम लोग जैसे अभी कर रहे हैं स्टोरी टेलिंग, जैसे मैं अभी यहाँ पे हूँ, फिर इमरान वहाँ चला जा रहा है, फिर इमरान वहाँ चला जा रहा है, फिर वहाँ चला जा रहा है, लेकिन मैं कहानी सारा यहीं से खड़े होकर बता रहा हूँ, मैं अपने छत से ही सारी बता रहा हूँ। तो ये होती है स्टोरी टेलिंग, समझ गए। तो अपने व्लॉग में अगर आप पब्लिक में व्लॉग नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता रहा हूँ क्या करना है आप लोग को। आप लोग थोड़ा थोड़ा शूट करो, हिम्मत करके बस 2 मिनट बाद, 2 सेकंड 4 सेकंड बात कर लो, फिर घर पे आने के बाद उसकी स्टोरी टेलिंग करो कि वहाँ पे मैं ऐसे गया था तो ये हुआ वो हुआ, इस तरीके से जैसे अभी दिखाता हूँ मैं आप लोग को। अब जैसे कि मैं घर पे था, मैं घर पे से स्टोरी टेलिंग कर रहा था, अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आ गया, तो इसी को कहते हैं स्टोरी टेलिंग। अब मैं यहाँ का 2 सेकंड का क्लिप यहाँ से ले लूँगा, फिर मैं कहीं और से ले लूँगा, तो इसीलिए स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टोरी टेलिंग में काम करोगे तो आप भी व्लॉग आराम से कर सकते हो, दिक्कत भी नहीं होगा पब्लिक में व्लॉग करने में, समझ गए। आज का हमारा चौथा टॉपिक है कि आप किसी दोस्त को अपने साथ रखो। जैसे कि मैं मेरे व्लॉग्स में देखते हो काफ़ी कि मेरे दोस्त कोई ना कोई साथ में रहता है, कभी कभी मैं खाली अकेले व्लॉग करता हूँ, बट क्या है ना कि मेरा दोस्त कोई ना कोई मेरे साथ में रहता है। जैसे कि एक ये हमारा चोर दोस्त हो गया, ये है हमारे बनिए वाले मित्र, और जैसे कि अब ये है साथ में, तो हम दोनों साथ में रोड पे चलते रहेंगे, तो ये है कि पब्लिक को लगेगा आपस में हम दोनों बात कर रहे हैं, हमारे आगे कैमरा भी चलता रहेगा और आपस में बात करते रहेंगे और हम कैमरे में भी बात करते रहेंगे, तो धीरे धीरे हमारा व्लॉग भी होता रहेगा, पब्लिक में भी हमें टेंशन नहीं होगी, दोस्त के साथ भी गुफ्तगू करते रहेंगे और फिर हमारा काम भी हो जाएगा। तो इसीलिए कहता हूँ अगर दोस्त कोई साथ में जा रहा है, लेकिन ज़्यादातर मैं देखता हूँ कि हाँ दोस्त कोई ना कोई साथ में रहता है, तो दोस्त लोग को साथ में लेके जाओ, एज अ फ्रेंड रहता ना साथ में तो हिम्मत थोड़ी बढ़ जाती है पब्लिक में व्लॉग करने के लिए। तो पब्लिक में व्लॉग करना है तो दोस्त होना चाहिए, मैं ऐसा मानता हूँ।
आज का हमारा पांचवा टॉपिक है। ऐसे ही सेक्सी लग रहा था, देख लिए ना, ये था मेरा पांचवा। तो वीडियो पसंद आई हो तो तुम लोग को पता है यार क्या करना है, लाइक कर देना, कमेंट कर देना जो अच्छा लगा, और शेयर कर देना इस वीडियो को। और मुझे लगता है कि हाँ, शायद आप लोग को ये व्लॉग देख करके कुछ फील हुआ होगा, मन कर रहा होगा पब्लिक में व्लॉग करने का। तो बस मेरा काम था ये करना, मैंने कर दिया। बाकी आप लोग को फ़ोन उठाना है, पब्लिक में व्लॉग करना है, करो फिर। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़।